हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे। तो एक एम्स ने जारी कर दिया है, उसके रिगार्डिंग बात करूंगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लेने चाहिए। ठीक है, उससे पहले जो हमारे साथ आज नए जुड़े हैं वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देख सकते हैं आप, एम्स ड्यूगर की तरफ से आज 25 डेट है। ठीक है, इसी डेट को रिलीज हो गया है ड्यूगर। यहाँ पर लिखा है एम्स की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी है। काम की चीज़ हमारे यहाँ क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और कैसे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्लियर कर देता हूँ। बहुत से एम्स हमारे ऑनलाइन लेते हैं और बहुत से हमारे ऑफलाइन भी करवाते हैं। तो जो ड्यूगढ़ है, ड्यूगढ़ वाला हमारा ऑनलाइन होगा, हालांकि ईमेल आईडी पे अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने हैं। कैसे भेजने हैं मैं अभी आपको बताऊँगा। हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो हमने फिलिंग अप करा था, ठीक है, थ्रू दी CRE एम्स के थ्रू हमने ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट हमने अप्लाई करा था। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 239-223। ठीक है, डेट 17/11/23 को हमारा MCRA का नोटिफिकेशन निकला था। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप बी सी की पोस्ट है। ठीक है, देखिए द रिजल्ट, इसका रिजल्ट MCRA की वेबसाइट पे आ गया था। ठीक है, रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन CRE एम्स 2023 फिलिंग अप ग्रुप बी सी, हमने ग्रुप बी सी का फॉर्म भरा था। हैज़ बीन डिक्लेयर्ड प्रोविजनली इन एम्स न्यू दिल्ली, जो हमारी मेन वेबसाइट है उस पर हमारा रिजल्ट जारी कर दिया गया था। कल एक से लेकर जितनी 100 पोस्ट थी सबका जारी कर दिया गया था। ऑल दी कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट हु हैव बीन सिलेक्टेड, जो ज्वाइन अलॉटेड हुआ है उन्हें, ठीक है, अलॉटेड लिख के आ रहा है एम्स ड्यूगर, आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड दी रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चेक लिस्ट आपको नीचे दी गई है अटैच के साथ, ठीक है, प्लस एफिडेविट भी आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, अब आपको भेजना कहाँ है पहले के लिए कर देता हूँ। ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, देखिए ईमेल आईडी ये रही। ठीक है, दोबारा मैं क्लियर कर दे, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप डाउनलोड कर लेना। आप कैसे डाउनलोड करना है ये भी बता दूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो कब से कब तक होगा, देखिए 26 से लेकर 27 तारीख तक, ओनली 2 दिन का वक्त दिया है, 5 बजे तक। ऐसे देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उन्होंने एक नंबर भी बताया है कि आप इस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर देखिए 9162733614। 9 से 5 बजे तक ये दिन में खुला रहेगा। ठीक है, टाइम भी उन्होंने बताया AM to PM। ठीक है, फॉर एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिजल्ट प्लीज़ विजिट वेबसाइट। अगर आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एम्स दिल्ली की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारे काम की चीज़ इसमें ये है, देखिए इन्होंने करा है, ये चेक लिस्ट है हमारी। एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने पहले के लिए दे दिया, ये आपको निकलवानी है। ठीक है, अपने नेम दी कैंडिडेट, आप अपना नाम भरेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं, पोस्ट भरेंगे अपनी, रोल नंबर भरेंगे, एडमिट कार्ड वाला, ठीक है, ध्यान से भरना एडमिट कार्ड वाला, आईडी मत भर देना, रोल नंबर हमें भरना है। प्लस देख सकते हैं आपको डाउनलोड, जो आपने फाइनल प्रिंट कॉपी की थी, हमारा जो लास्ट में सबमिट वाला आता है उसकी कॉपी उन्होंने बताई है, प्लस एडमिट कार्ड कैंडिडेट सिग्नेचर के साथ होना चाहिए। कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल वाला आप फोटो खींच के भेजेंगे, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन 10th मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। क्लियर, तो मैं यही कहता हूँ आप कैफे पे जाना। ठीक है, कैफे पे जाने के बाद आप अपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट, ठीक है, भिजवाना। ठीक है, स्कैन करके या तो अपने फ़ोन में ले लेना, ठीक है, तो आप भेजना, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर बार नहीं होता, एक ही बार होता है। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, ओरिजिनल आईडी कार्ड मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड हो गया, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्लास 10, ठीक है, जो हमारा प्रूफ मांगा जाता है DOB का, सिर्फ 2 ही चीज़ें मांगी जाती हैं, मैंने बहुत एम्स की वीडियो बनाई है। एक हमारा होता है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट हमारा होता है, प्लस हमारा दूसरा मांगते हैं ये 10th की मार्कशीट, इसमें सिर्फ 10th की मार्कशीट उन्होंने बताई है तो हम वही लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी हमारा है, प्लस उसकी मार्कशीट, ठीक है, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपने अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से भरा है, आपके पास एसेंशियल वाली नहीं थी तो आप एसेंशियल वाली का, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रुप ए वाली पोस्ट के लिए नर्स का, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, और एक्सपीरियंस जो आपका काउंट होगा टोटल इन डेज में होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बताया था, आराम से जाके नोटिस पढ़ना, ठीक है, जो हमारा वो वाला था, जो हमारा ऑप्शन आया था MCRE का जब फार्म के वक्त आया था, वो हमें पढ़ना है, हमें अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है कि हमने क्या क्या भरा था, और जो सबमिट फार्म करा था वो भी हमें चेक करना है एक बार कि हमने क्या क्या हमने उसमें भरा है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मिस्टेक हो गई हो, दोबारा देख लेना टाइम निकाल के। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड NOC रिलीविंग इन, ठीक है, विजिलेंस क्लियरेंस हु आर करेंटली वर्किंग, जी सिर्फ उनके लिए है ये, सिर्फ
जो करंट वर्क कर रहे हैं सेंट्रल स्टेट पीएसयू गवर्नमेंट बॉडीज़, किसी भी बॉडीज़ में गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्क कर रहे हैं, एनओसी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करता हूँ, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जो भी आपने लगाया है, जो भी इस नोटिफिकेशन की डेट में बताया गया था आपको मेन में, वही आपको लगाना है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, आपको जो इशू हुआ था डिसबिलिटी सर्टिफिकेट अथॉरिटी कंपिटेंट अथॉरिटी दी एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है आपको लगाना है। लेटेस्ट फोटोग्राफ भी लगाना है आपको। कॉपी ऑफ द एफिडेविट, एफिडेविट आपको नीचे दिया गया है कैसे आपको बनवाना है। एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर आपने भर दिया हो एनी अदर क्वालिफिकेशन में, कंप्यूटर तो आप वो भी लगाएंगे, इसी के बारे में मैंने कहा है जो आपने सबमिट करा था, ठीक है, फॉर्म वो ज़रूर देख लेना। काम की चीज़ मैं बता दी, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, वरना हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड मिल जाएगी पीडीएफ। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये रहा हमारा एफिडेविट, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है 100 रुपीज़ से ऊपर का चलेगा, नीचे का नहीं चलेगा, देख सकते हैं अबव स्टैम्प पेपर 100 से ऊपर का चलेगा, ठीक है। आप जाएंगे तहसील में, स्टैनो बैठे होते हैं, ठीक है, स्टैनो, तो आप उनसे जाके अपना ये दिखाएंगे फॉर्मेट, आपका बन जाएगा, ठीक है। 100 रुपीज़ का जो आपने देखा होगा इस पर लिखा होता है 100 रेस बने हुए होते हैं, ऊपर पैसे बने हुए होते हैं, उस पर आपको लिखवाना है, 100 से ऊपर का होना चाहिए, चाहे 100 रुपये का ही हो आपका या फिर आप क्यों ना 100 से ऊपर का बनवाएं, लेकिन 100 से नीचे का नहीं बनना चाहिए। क्लियर, मैं दोबारा कर देता हूँ, वो खुद फिल कर देंगे, आपको कोई दिक्कत वाली नहीं। स्टार्टिंग द कैंडिडेट्स कौन से एम्स में आपका हुआ है, ठीक है, सब वो भर देंगे यहाँ पर, ट्रू फॉल्स। यहाँ पर हमारा काम की चीज़ क्या थी, यहाँ पर वो क्या भरवा रहे हैं, क्लियर कर देता हूँ, वो ये लिखवा रहे हैं कि अगर आपका कोई गलत डॉक्यूमेंट पाया गया, देख सकते हैं मेडिकल साइंस, इफ़ एट एनी स्टेजेस ऑफ फाउंड इन कैंडिडेट हु प्रेस्ट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भरी हो, सप्रेस मटेरियल फैक्ट जो भी आपका हो, नॉट फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, अगर आप नहीं एलिजिबल थे फिर भी आपने भर दिया हो, ठीक है, तो स्टैंड कैंसिलेशन हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट कमिंग देख सकते हैं आप अपॉइंटमेंट, ठीक है, मतलब इन केस ऑफ आपका अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसमें आपको ये बता देंगे, अगर आप एलिजिबिलिटी मतलब आपकी थी नहीं फिर भी आपने भर दिया तो या तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बस यहाँ पर ये लिखा है उन्होंने। और अगर आपके बिल्कुल करेक्ट हैं डॉक्यूमेंट तो कोई दिक्कत नहीं आई, प्लस कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम कैफे वाले भैया या खुद से भरते हैं फ़ोन से, तो फॉर्म हमारा गलत हो जाता है ऊपर नीचे, तो उसका भी आप एफिडेविट बनवा के काम करवा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस हमारा जो होता है उसमें डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले, मतलब कि लास्ट डेट से पहले के, ठीक है, लास्ट डेट से हमारे पहले के डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए विथ रजिस्ट्रेशन, अगर आप डिप्लोमा डिग्री करे हुए हैं तो, ठीक है, भेज देना बेफिक्र होके, आपको मिल जाएगी। हमारे काम की चीज़ और क्या है देख सकते हैं आप, जो हमारा इन्होंने बताया था एमएलटी जर्नी, अब देखिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इन्होंने पहले क्लियर कर दिया था, एम्स द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड एम्स इमीडिएटली विदाउट, देखा, जिन जिन कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन के आधार पर उन्होंने पेपर दिया था और वो सिलेक्ट हो गए हैं, उन्हें अलाउट हो गए हैं एम्स, तो वो लोग जल्द से जल्द अपना जो रिजल्ट होगा, देख सकते हैं आप माई पेज पर जाके वेरीफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वेरीफिकेशन लेटर, ठीक है, लेकिन अब आप देख सकते हैं हर एम्स का अलग अलग वो जारी कर रहे हैं, ठीक है, ये एनओसी के रिगार्डिंग है कि आपका 5 दिन के दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ये करा लेंगे रिजल्ट के, ठीक है, रिजल्ट ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए लिखा है उन्होंने, ठीक है, अलॉटेड टू रिक्वायर्ड रिपोर्ट टू अलोकेटेड एक्सम विद इन 5 डेज के अंदर अंदर करा लेंगे। एनओसी सिर्फ उनके लिए बताइए जो कैंडिडेट इस वक्त काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए बताइए। यहाँ पर उन्होंने राइट बताया कि एम्स के पास सब राइट हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, समझ सकते हैं आप, कि और डिसीजन तो डायरेक्टर एम्स फाइनल टू एन केसेस, उनके पास है सब राइट, ठीक है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल गई होगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा इसमें जो डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या लेके जाने हैं, मैंने बता दिया इसमें ऑनलाइन होगा तो अभी हमें कोई लेके नहीं जाना है। रही बात वेटिंग लिस्ट की, देखते हैं आती है कि नहीं आती है, वैसे ऑल एम्स तो जारी करते ही हैं, ठीक है, अब इसमें देखते हैं आती है नहीं आती है, इसलिए वेट कीजिए। अगर कोई भी आपकी इक्वायरी हो, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।